नमस्कार दोस्तों, हमारी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज ये जानेंगे कि बेरिंग प्यूट के बारे में। जैसे अपने को हेवी डोर में लगाना रहता है, वुडन में बेडरूम का डोर हुआ वो प्यूट पे लगाना रहता है, तो इसका जो साइज़ रहता है क्या साइज़ रहता है और थिकनेस क्या रहता है, कॉस्ट क्या रहता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे ये जो प्यूट है ये हेवी प्यूट है। जैसे अमुक हार्डवेयर पर ये नहीं मिल पाता है, अपने को ऑर्डर से बनवाना रहता है। वो दिखा देता हूँ, ऐसे में जो इसका लंबाई है वो 8 इंच ही है, ये पूरा लंबाई। ऐसे में 2 इंच का प्यूट है, देख सकते हैं। यहाँ पे अंदर की साइड में बेरिंग है 1 इंच के अराउंड में, और यहाँ पे आप डिजाइन देख सकते हो, 8 8 mm के अराउंड में है, या 6 से 8 mm के बीच में। दोस्तों, यदि अपने को यदि हेवी डोर आ जाता है तो आप इस तरीके का प्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो। बिछागरे की बजाय अपने को इंजिस, यदि इंजिस नहीं लगाना रहता है, प्यूट लगाना रहता है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो इतना हेवी है। आप ऑर्डर से बनवा सकते हो। अपने को यदि हार्डवेयर में नहीं मिलता है अथवा अपने को ऑर्डर देके बनवाना रहता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे स्क्रू के लिए जगह दिया गया है, और ये जो एरिया है आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे ये शटर में लगाया जाता है, नीचे की साइड में ऐसे शटर में, और ये जो रहता है फ्लोर पे लगाया जाता है। यहाँ पे ऐसे जैसे अपना मेजरमेंट रहता है उसके हिसाब से अपना मेजर करके फिर यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, और फिर ये जो शटर रहता है यहाँ से ऐसे में ऊपर की साइड में फिक्सिंग कर दिया जाता है यहाँ पे, और इस हिसाब से अपना जो प्यूट है वर्क करता है। जैसे अपने को खोलना रहता है कि यदि लेफ्ट में खोलना रहता है, उसके हिसाब से अपने को पैताम के हिसाब से ये खोला जाता है। ये जो प्यूट है इस प्रकार का, अपने को 2 प्यूट लेना रहता है, एक नीचे की साइड में एक ऊपर की साइड में, क्योंकि ये जो सिंगल प्यूट रहता है इसमें दरवाज़ा नहीं खुल पाता है। अपने को ऊपर की साइड में भी अपने को प्यूट लेना रहता है। ये जो प्यूट है इसका जो कॉस्ट है 1500 रुपये कॉस्ट है, एक नंग का 1500 रुपये है। जैसे अपने को ऊपर का अलग से लेना रहता है वो तो अपने को जोड़ी लेना रहता है साथ में, तो ये एक प्यूट का कॉस्ट 1500 है, यानी ऊपर और नीचे का अपने को 3000 रुपये में अपना प्यूट का कॉस्ट चला जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे ये हेवी वाला है। यदि अपना दरवाज़ा छोटा रहता है साइज़ में, बेडरूम जितना ही अपने को जैसे 7 बाई 30 इंच का हो, तो इतना हेवी लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। और यदि मेन डोर का हेवी डोर रहता है, जैसे 10 फीट लंबा, 6 फीट हुआ, तो उसके हिसाब से आप ये हेवी वाला प्यूट यूज कर सकते हो। इसका जो कैपेसिटी रहता है 250 से 300 किलो तक ये कैपेसिटी डोर की ले सकता है, उसमें कोई बेरिंग वेरिंग टूटने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है। और यदि अपना दरवाज़ा इससे भी हेवी आ जाता है 10 फीट बाई 12 फीट का, तो यहाँ पे अपने को साइज़ बढ़ाना रहता है उसमें 3 इंची, और ऐसे में जो लेंथ है वो भी उसको बढ़ाना पड़ता है, और बेरिंग का जो साइज़ है उसको भी बढ़ाना रहता है। इसका जो कैपेसिटी रहता है 300 से 200 से 350 तक केजी तक कवर कर लेता है, और यदि दरवाज़ा अपना 500 से पार चला जाता है केजी में, तो अपने को इसे और भी हैवी मंगवाना रहता है। दोस्तों, अपने को घर के लिए यदि इस तरीके का प्यूट मंगवाना रहता है तो आप यहाँ से फ़ोटो वगैरह कैप्चर कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।